भगवान कृष्ण ने इसी वृक्ष पर बैठ के बंसी बजाई। ये 6,500 साल पुराना वृक्ष है, भगवान इस पर बैठ के बंसी बजाते, नीचे यशोदा मैया बैठती है। वृंदावन एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां की हर सड़क हर गली कृष्ण लीला तक ही पहुंचती है। पूरे वृंदावन में आपको सैकड़ों स्थान मिल जाएंगे जो किसी न किसी तरह से भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े होंगे। ऐसा ही एक स्थान है नंद भवन, जो कि वृंदावन के प्रमुख घाटों में से एक घाट चीरघाट पर ही है और राधा कृष्ण महारास लीला स्थल निधिवन के बेहद करीब है। अगर आपने मेरा निधिवन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नंद भवन तक जाने के लिए एक गली से गुजरना पड़ता है और इस गली को कहते हैं दान गली। यहाँ श्री कृष्ण गोपियों से मक्खन और लस्सी दान मांगा करते थे, इस वजह से इस गली का नाम दान गली पड़ा। कहते हैं कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा और अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा पर इसी भवन से लेके गए थे। यहाँ मान्यता है कि अगर आप अपनी चार धाम यात्रा वृंदावन से शुरू करें और चारों धामों से एक एक निशानी यहाँ आकर इस जगह पर चढ़ाएं, तो आपको यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और कहते हैं कि इस जगह का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है। कुछ और भी अद्भुत बातें हैं इस स्थान से जुड़ी हुई जो हमको यहाँ आकर पता चली। भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में और यहाँ जो आप बैठे हो यहाँ किसका जन्म हुआ है, नंद के घर आनंद हो, यहाँ पे आनंद का जन्म। यहाँ व्यक्ति जैसे भाग लेके आता है भगवान अपने घर से उसको, ये जो पीछे आप वृक्ष देख रहे हैं वृक्ष का नाम है बंसी भट्ट। कहते हैं बंसी भट्टो भट नहीं नंद गाम सो गाम, वृंदावन सो बन नहीं कृष्ण नाम सो गाम। भगवान कृष्ण ने इसी वृक्ष पर बैठ के बंसी बजाई। ये 6,500 साल पुराना वृक्ष है, भगवान इस पर बैठ के बंसी बजाते, नीचे यशोदा मैया बैठती है। यशोदा मैया से शिकायत करने आई गोपियाँ, बोले मैया तेरा लाला हमारा रोज माखन छीन ले गली में और मटकी को फोड़ दे। मैया बोली, बोले कन्हैया तेरी बड़ी शिकायत आ रही, आज तू नीचे उतर जा, आज मैं तेरी डंडी से खबर लूँगा। कन्हैया बोले, बोले मैया जी गोपी सब झूठ बोल रही है, हमारे घर में कोई माखन की कमी है जो दूसरे को नहीं। तो कन्हैया सही कहते थे, कन्हैया तो उसी गोपी से माखन लूटते थे जिससे वो प्रेम करते थे। आज भी आप वृंदावन में जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर लिखा है लुटेरी नगरी में आपका स्वागत है। लोग बाग बोर्ड को पढ़ के हंसते हैं, लेकिन सत्य यह है कि संसार में जिसने जन्म लिया सबको लुटना है। हर कितना है भगवान का जो भक्त है वो भगवान के दरबार में लुटता है, बाकी के डॉक्टर कोर्ट कचहरी लुटना उसको भी। कन्हैया जब उतर के नहीं आए तो मैया रोने लगी। मैया बोली, बोले लाला तो अपने भक्तन की सौगंध है, तू नीचे आ, हमेशा भगवान भक्त के वश में। कन्हैया नीचे आए और मैया से बोले, बोले मैया मुझे माखन तो खबा। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने अपने लाला को माखन खवाए और 9,25,000 गाय ब्रजवासियों को माखन खाने के लिए उसी जगह पर डाल दिया। ये जो आप नेमकंड देखते हो, अलग हमारी हिंदू संस्कृति में आप कभी गया काशी गए हो तो वहाँ लोग पिंड दान करते हैं, यहाँ भगवान के चरणों में अपना नाम दान करते हैं। नाम दान क्यों करते हैं वृंदावन में, जैसे कलयुग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बैठा के चार धाम की यात्रा कराई, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का कलयुग में जो भी पुत्र अपने माता पिता सास ससुर का नाम मेरे चरणों में आके यहाँ देगा, उसे वो फल मिलेगा जो श्रवण कुमार को मिला। कहते हैं चले वृंदावन धाम, करें अपने पूज्य माता पिता का नाम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के दर्शन बैठ कर करने होते हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग मर्दन के बाद आके विश्राम किया था। नंद भवन के दर्शन के बाद आप चीरघाट भी जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल पास ही में है नंद भवन और दान गली से। चीरघाट वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने 5 वर्ष की आयु में गोपियों को शिष्टाचार का सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्रों को कदम के एक वृक्ष पर टांग दिया था। कहते हैं कि वो कदम का वृक्ष आज भी यहाँ है और यहाँ लोग चीर यानी वस्त्रों का दान करते हैं। वृंदावन की हर जगह अद्भुत है और यहाँ वृंदावन की गलियों में आपको श्री कृष्ण के पास होने का प्रबल एहसास होगा। आपका इस बारे में अगर कोई विचार है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।